जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI रिक्रूटमेंट 2023 की। यहाँ पे PO वाली वैकेंसी निकल चुकी है। इसके अलावा ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे SBI में जो वैकेंसी निकली हुई है 7/9/2023 यहाँ पे इसमें ये एडवर्टाइजमेंट आया है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके स्टार्टिंग डेट है 7/9 ये और 27/9 तक आप आवेदन कर सकते हो। 12/10 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है प्रिंट करने की अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, और ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 तारीख रखी गई है यहाँ पे 27/9/2023। इसके अलावा लॉग इन कर सकते हो क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारे फिल करने हैं। इसके अलावा आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है और पेमेंट करना है लास्ट में। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स लिखी हुई रहती है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में आपको रीड करके बताता हूँ, 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। आवेदन करना चाहते हो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन नीचे लिंक दे रखा है। इसके अलावा पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा कैसे आपको आवेदन करना है। दोस्तों अभी बात करते हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर वाले रिक्रूटमेंट निकली हुई है। डेट्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एग्जाम आपका अक्टूबर में टेंटेटिव है, अगर अक्टूबर में एग्जाम आपका टेंटेटिव। इसके अलावा ये जो देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा करंट वैकेंसी SC ST OBC EWS जनरली टोटल मिला के 2000 वैकेंसीज अवेलेबल है। अभी बैकलॉग वाली वैकेंसी नहीं है इसमें, टोटल वैकेंसी 2000 के करीब है। और इसके अलावा यहाँ पे पूरी डिटेल्स नीचे दे रखी है, मेंशन हो रखी है। मैं आपको ये सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ कि क्या इसकी स्कीम रहती है। ये आप देख लीजिए प्राइमरी एक तरीके से प्रिलिमिनरी होता है, एग्जामिनेशन एक तरीके से प्री एग्जामिनेशन होता है इसका। 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश क्वांटिटिव और रीजनिंग। और इसके अलावा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 घंटे में आपको करने होते हैं। उसके बाद में पास होने पे आपको मेंस देना पड़ता है। मेंस में ये देख लीजिए यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश जनरल, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स रीजनिंग के सारे सेक्शन होते हैं। 155 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, 3 घंटे में आपको करना होता है। और रिटर्न पेपर भी होता है इसका, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी साथ में दिया जाता है, जो कि आपको 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल यहाँ पे 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। 30 मिनट अलग से मिलते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये अगर आप आवेदन करना चाहते हो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल्स वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी।